हेलो। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। मैं आकिब मड़की बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर, अभी जस्ट आपने जो है एक पत्रकारों को एक बात कही थी कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद ही आप मूलभूत सुविधा ले सकते हैं। तो सर, मेघालय हाईकोर्ट का एक जजमेंट है सर, तो वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप लोगों को जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मेघालय घर में जाके कोई जबरदस्ती करने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस में कहाँ भी जाना है तो वैक्सीनेशन लगेगा। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफिस को जब नागरिक जाते हैं सर, तो ये भी उनकी एक मूलभूत सुविधा भी है ना सर। तो ये सरासर आर्टिकल सर हमारे संविधान का आर्टिकल 19 क्या कहता है, 19(1)(g) क्या कहता है कि आप जो है किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, चाहे वो सरकारी अफसर हो चाहे वो आम नागरिक हो। तो आप राशन नहीं देना, राशन नहीं देना ये सर, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, आपको कोई चैलेंज करना तो कर सकते ना। तो सर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो है राशन नहीं देना डायरेक्ट, सडनली आप जो है ये मूल भी सुविधा से वंचित कर रहे हैं ना नागरिकों। नहीं नहीं, आपको उसमें कुछ आपको डाउट है ना तो आप चैलेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ बात नहीं है ना। अब सपोज सर फर्स्ट डोज किसी का हो गया है तो उसको जो है आपने गैप रखा है 84 डेज का, तो फर्स्ट डोज अगर किसी का होता है तो 84 डेज तक अगर उसको समझो कोई फॉर्म भरना है अर्जेंट, या कोई उसको किसी चीज के सेतु के अंदर आपको उसके फॉर्म निकालना है, ऑनलाइन करने का। अब आजकल सब ऑनलाइन ही है ना, ऑनलाइन में करने का ना, जाने की जरूरत नहीं उधर का। नहीं नहीं, अगर जाने की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे डबल डोज का वैक्सीनेशन तो आप तो कंपलसरी कर रहे हैं ना सर। सही है ना। तो अगर किसी व्यक्ति का एक डोज कम्प्लीट होता है और उसकी डेट है फरवरी 10 तारीख को, अगर वो वैक्सीन आज लेता है तो अगर उसके 84 डेज कम्प्लीट नहीं होते। सर इतना आसान है, इतना क्लियर आदेश है ना कि डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए। हाँ, ये तो समझ में आया ना कि एक वैक्सीनेशन हुआ तो क्या 84 डेज का क्या गैप है, मालूम है ना आपको भी। हाँ, मालूम, मुझे भी मालूम है। तो फिर नहीं ले सकते तो वो लोग वंचित रह जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल सर, अभी फिलहाल वक्त सरकारी एक स्कीम है आरटी, जिनके घर में दूसरा कोई लिया हुआ तो हो जाएगा, इतना ही है। और ऑनलाइन में आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि राशन कार्ड में समझो अगर 5 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर अगर वैक्सीन सिंगल डोज लेते हैं, अगर कोई 1% डबल डोज लेता है तो उसके ऊपर काम चल सकता है। तो हो जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच।